बच्चों नमस्कार, आप सभी का विमर्श में स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार, आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में कि मैथ आपको देखिए यूपी पुलिस में अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और री एग्जाम की डेट आपको पता ही है, आपको आ चुकी है, तो इसलिए आज हम मैथ की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। जो भी स्ट्रेटेजी है मैथ, कैसे हम कम समय में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, ये बात आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों। तो आपको ये बात जाननी है कि मैथ में सबसे पहले हम कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो आपको बहुत बेसिक वाली बात जाननी है। देखो बच्चों, मैंने इस बार का पेपर देखा था कि मैथ के पेपर में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा टिपिकल था। हाँ, ये था जिन बच्चों का मैथ बहुत कमज़ोर होता है उन बच्चों को थोड़े उसमें एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन भी उन्होंने डाल दिया था इस बार, ठीक है, तो छोड़ दो। मगर देखो डी आई उनका फिक्स था कि डी आई वो पाँच जिन्होंने जैसा उन्होंने सब्जेक्ट में लिखा था, सिलेबस में लिखा था कि हम डीआई से पांच क्वेश्चन पूछेंगे, डीआई से हम पांच क्वेश्चन पूछेंगे, पांचों के आपको जवाब देने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पांचों के आपको जवाब देने थे। उस डीआई में आपको एक बात की ध्यान रखनी है कि डीआई में चार क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और वो चार क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से करते बन जाते हैं। तो ये चार क्वेश्चन से चार क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात सभी आप ध्यान रखेंगे कि चार क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें टाइम वेस्ट ना करें, इसकी जगह दूसरे। तो ये आपके डीआई से क्वेश्चन पक्के, आपको ध्यान रखना है। अब कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, जितनी आपने पढ़ लिया है उसी को बार 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 जितना हो सके उसको इतना रिवाइज कर दो। अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। हिंदी आपकी मतलब पूरे में पूरे नंबर आने चाहिए। मैथ में बार बार बोलता हूँ, जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है उन बच्चों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि डीआई बिल्कुल पढ़ के जाना है। वीमर्स के लर्निंग सेंटर आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पे डीआई के कुछ वीडियोज डले हुए हैं मेरे, आप उन्हें भी देखोगे तो वहाँ से भी जाके आप सीख सकते हो। जो भी पैट का डीआई हो चुका है उसको ज़रूर करके जाए, क्योंकि पैट का डीआई इन्होंने उठा के इस बार दिया था। एक दो डीआई जब सब पहला पैट हुआ था ना उसका डीआई मैंने देखा था, तो उस डीआई को इन्होंने दिया था। तो पैट का जो डीआई क्वेश्चन आ चुके हैं उनको पढ़ के जाएं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहली बात डीआई के क्वेश्चन हो गए। दूसरी बात, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आ रहा है, नंबर सिस्टम के एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो नंबर सिस्टम में आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम में आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ के जाना है। सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ के जाना बच्चों, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो सभी बच्चे उसमें पढ़ के जा सकते हैं और सभी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी उसमें सवाल नहीं होता है जो बच्चे नहीं करें। सरलीकरण आपको पढ़ के जाना बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात विशेष आपको ध्यान रखनी है कि आपको पढ़ के जाना है सरलीकरण। चलिए सरलीकरण की बात हो गई, सरलीकरण की हम बात कर ली। अब दूसरी बात आती है, ये आपको पढ़ के जाना है नंबर सिस्टम, आपको पढ़ जाना नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है सरलीकरण का। प्रॉफिट लॉस की बात आती है, परसेंटेज के अंदर ही प्रॉफिट लॉस आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, ये आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये आपको पढ़ के जाना है। प्रतिशत में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। प्रतिशत, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस भी आपको पढ़ के जाना है। प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ के जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, ठीक है बच्चों, ये आपको पढ़ के जाना है। तो यूपी पुलिस में देखिए लाभ हानि और आपको ब्याज, आपको क्या पढ़ के जाना है, ब्याज पढ़ के जानी है, ब्याज यहाँ आप ध्यान रखेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो एक एक क्वेश्चन इनसे भी बन जाता। जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है वो ये वाले टॉपिक पढ़ के जाएं, मैं गारंटी देता हूँ मैथ में बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आपको यूट्यूब पे फलाना ये वो कुछ नहीं देखना, मैं जो कह रहा हूँ इन पे फोकस करो भाई। देखो पांच क्वेश्चन यहाँ से ठीक कर दोगे, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन ठीक कर दोगे, सरलीकरण से एक ठीक कर दोगे, इन दोनों से तीन तीन क्वेश्चन हो गए, बारह तेरह नंबर ठीक हो गए। इससे कमज़ोर बच्चा अगर ये करके आएगा, और बाकी कमज़ोर बच्चे की तो हिंदी बढ़िया ही होती है, ऐसा कुछ नहीं, और रीजनिंग में आप बहुत अच्छे होते हो, रीजनिंग में अच्छा से अच्छा स्कोर खींच सकते हो। जीएस और रीजनिंग का एक पार्ट है उसमें जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जिसमें कुछ केसेस हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर इस बार देख के जाना। जो
क्योंकि इसमें थोड़ा सा अब की बार दोबारा पेपर हो रहा है तो पेपर का पैटर्न सभी को लगभग पता होता है, मगर वो थोड़ा सा घना चेंज इधर से उधर जरूर होगा। इस बात का विशेष ध्यान में रखते हुए आप लोग पेपर सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि इधर से उधर करने का मतलब है क्वेश्चंस का सेट बदलेंगे या कुछ ही पार्ट को टिपिकल करेंगे। और दूसरी बात, इस बार जो क्वेश्चन आए थे यूपीएसआई का एक 2021 में पेपर हुआ था जिसमें केस स्टडी था, उसके क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना। केस स्टडी भाई इसके उसको 60% नंबर मिले, उसको एमबीए होना चाहिए, वो बीएड करा होना चाहिए, कितने केस स्टडी होती है उसको पढ़ के जरूर जाएं बच्चों। आप ये बात विशेष ध्यान रख के जाएंगे और ये करने के बाद आपको कोई वीडियो किसी का भी स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जितना भी हो चुका है उसकी आप भरपूर रिवाइज करोगे जितना भी आप, और जो जो चैप्टर आपको मैथ में ज़्यादा आते हैं जिसमें सोचते हैं हम इनमें अटक ही नहीं सकते, उनको आप बहुत अच्छे कर लें और अच्छे कर लें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितनी ज़्यादा आप करोगे उसको आपका फ़ायदा मिलेगा, और भरपूर प्रैक्टिस करने से फ़ायदा आपको इतना कि आप इतने महारत हासिल कर लोगे कि आपके सामने क्वेश्चन आया वो फटाक देसी सॉल्व कर दो, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। डीआई के बारे में बता दें, डीआई कहाँ से पढ़ना, पैट के जो डीआई के पेपर हुए हैं अभी तक, पैट का डीआई सारे देख के जाएंगे, इस बार का जो पीछे हुए हैं उनका डीआई आप देख के जरूर जाइए बच्चों। डीआई को छोड़ के नहीं जाना है, डीआई पढ़ के जाना है, वो पैट वाला डीआई पढ़ के जाना है। यूपी पुलिस में जो डीआई में अभी तक क्वेश्चन आए वो पढ़ के जरूर जाना, डीआई वहीं से उठाएंगे लोग, ठीक है, और कहीं से नहीं। नंबर सिस्टम में बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये आपका यूनिट डिजिट है, ये सब पढ़ के जाइए, है ना। शेषफल प्रमेय आप पढ़ के जाइए, शून्यों की संख्या आप पढ़ के जाइए, सरलीकरण सरलीकरण आप पढ़ के जाइए। सरलीकरण सरलीकरण में क्या है, सरलीकरण जब पढ़ोगे आप तो उसमें सिंप्लीफिकेशन, बोडो मास के रूल अप्लाई करना, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रतिशत, प्रतिशत आप बहुत टाइम से पढ़ते हैं सभी बच्चे को, देखो लगभग यूट्यूब पे प्रतिशत के देखोगे तो कोई प्रतिशत कैसा पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रतिशत अच्छी तरह करेंगे बच्चों। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि आप ये पढ़ के जाइए, और समय और कार्य, ठीक है बच्चों, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। मैं भाई आप लिख देता हूँ, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी इजी चैप्टर है। टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, पाइप्स एंड सिस्टर्न, ये है नल और टंकी, पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, ये आप पढ़ के जाइए। नल और टंकी, कार्य और समय दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक करने के सॉल्यूशन बताओ। मैंने आपको इजी इजी चैप्टर बता दिए, अगर आप ये चैप्टर कर लोगे एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा मेंसुरेशन। और दूसरी बात, मैंने अभी आपसे कहा कि अभी एक मैराथन लगा दूंगा मैं आपकी, मैं मैराथन ले लूंगा जिसमें मैं जैसे कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये पढ़ा दूंगा मैं, प्रोग्रेशन ये आपको मैं पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छी तरह पढ़ा दूंगा। इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा क्योंकि मैंने इस बार देखा था क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, ठीक है, ये भी पढ़ा दूंगा मैं। मेंसुरेशन की एक मैराथन लगा लेंगे, तो फॉर्मूले फॉर्मूले आपको पहले करा दूंगा, फिर मैराथन क्वेश्चन आपको सॉल्व कर, ये रिवाइज कर लो, और इतनी बार रिवाइज कर लो इनको कि जब भी टाइम मिले ना मैथ में ये रिवाइज बार 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 क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका बेस एकदम मजबूत हो जाए। आपको फिर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, व्यूअर्स आपके साथ हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ भरोसा रखो, इस बात को फॉलो करो, जो मैथ की स्ट्रेटेजी मैंने बताई है इसी को फॉलो करना है। इससे जितने बच्चों का कमजोर मैथ है वो बच्चे इसको फॉलो करो, और मेरी बात मानो प्लीज, आप कहीं भी इधर उधर भटको और ये करोगे मैं देखता हूँ कैसे आपका स्कोर निकल। थैंक यू बच्चों, फिर मिलता हूँ फिर नई वीडियो के साथ, और अच्छे मैंने आपको बता दिया है जो जो मैं आपको दे सकता हूँ वो पूरा पूरा कोशिश की जाएगी विमर्श की तरफ से। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।